ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। सिंगरौली में आदिवासियों के विस्थापन को लेकर मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी उपाध्यक्ष विश्वनाथ सिंह मरकाम ने कहा कि वे आदिवासियों के हित के लिए लड़ते रहेंगे। मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष विश्वनाथ सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार सिंगरौली के आदिवासियों की जमीन को अधिग्रहित कर देश के बड़े उद्योगपति को बेच दिया है। भूस्वामियों को बिना विस्थापित और मुआवजा दिए ही आदिवासियों की जमीन पर काम शुरू कर दिया गया है। हमारी मुद्दा जो है सिंगरौली जिला के विस्थापन की मुद्दा बहुत बड़ी समस्या है और वहाँ हमारे मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि हम आदिवासियों के चहेते हैं, किसान के बेटे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री आदिवासियों के जमीन को औने पौने दाम पर हिंदुस्तान के बहुत बड़े उद्योगपतियों के हाथ में उन्होंने दे दिया और वहाँ के विस्थापन जिनको होना था, जिनका जमीन लिया, उनको सरकार का जो नियम कायदे है उसके तहत उनको न मुआवजा दिया गया, न नौकरी दिया गया, न तो विस्थापन किया गया। और विस्थापन न करने के पहले उन्होंने बड़े बड़े गाड़ियां लगा करके अपना काम चालू कर दिया। और मैं आप मीडिया के माध्यम से, अपने संगठन के माध्यम से सरकार को, माननीय राज्यपाल को आगाह कराना चाहता हूँ कि सिंगरौली जिला के विस्थापित जितने भी हैं और जिनका मकान का सत्यापन मूल्यांकन हो गया है, उनका तत्काल 15 दिन के अंदर उनका निश्चित मुआवजा मिलनी चाहिए। अगर ये मुआवजा सरकार के द्वारा नहीं दी गई तो समाजवादी पार्टी पूरे दमखम के साथ उस अदानी के खिलाफ आंदोलन प्रदर्शन करने के लिए मजबूर। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।